वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है आटे के नमक पारी, यानी कि जो टी टाइम स्नैक्स है, किस्म से हम उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। स्पेशली ये लोग मैदे से ही बनाते हैं, लेकिन मैं आटे से बनाऊंगी और बड़े हेल्दी होंगे। और ये गेहूँ का आटा है और इसको हम पंजाबी में मटर भी बोलते हैं, ये बड़े खस्ता और बड़े अच्छे बनते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है। मैंने ये देखिए एक कप आटा लिया हुआ है और आधा चम्मच के करीब हमने नमक लिया, टीस्पून के अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। आधा चम्मच हमने छोटा हमने अजवाइन लिए और हम इसमें मोइन के लिए 4 चम्मच तेल डालेंगे और हम पानी लेंगे। पहले हम इसका आटा लगाएंगे, तो सबसे पहले हम इसमें आटा डालते हैं, 1 कप आटा डालते हैं। ये आधा चम्मच नमक है वो डाल देंगे और ये अजवाइन भी डाल देंगे। नमक और अजवाइन डाल दिया आटे में, हम इसको थोड़ा सा ऐसे होल सा बना लेते हैं आटे में। अब इसमें हम डालेंगे ये टेबलस्पून होते हैं ये वाले, ये हम 4 भर के डालेंगे इसमें, 2, 3, 4, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने सारी चीज़ें मिक्स कर ली, तेल भी। अब हमारा हम तेल डालेंगे, इसकी निशानी ये है कि मिक्स हो गया कि नहीं। या आप इसकी अगर मुट्ठी बनने लग जाए आटे की, ये देखिए, इसका मतलब ये हमारा मन ठीक है, इसमें इतना ही डालेगा तेल। तो अब हम 1 कप पानी लिया, इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे। और हमें टाइट डो बनाना है इसका, जैसे हम पूरी बनाते हैं उससे भी थोड़ा सा टाइट ही बनाएंगे। खुले बर्तन में ही आप इसको बनाइएगा आटे को। हमारा डो बनकर तैयार हो गया, बस ऐसे टाइट होना चाहिए, ये देखिए ऐसे होना चाहिए, ये बिल्कुल नीचे तक हाथ नहीं जाना चाहिए, ऊपर ऊपर से, ये देखिए। तो हमने 1 कप पानी लिया था, तो 1/4 कप हमारा पानी लगा इसमें, ये देखिए हमारा बनके तैयार है। अभी हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, तो उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो अभी इसको ढक के रख देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप आपको बता। तैयार किया था नमक पारों के लिए, वो उसको 10 मिनट हो गए रेस्ट कर रखे हुए। अब ये हमारा बिल्कुल ये देखिए तैयार है। तो अब हम इसको थोड़ा सा घी या तेल, कुछ जो तेल ही लगाएंगे, लगा के हाथों में इसको एक बार थोड़ा सा इसे मसल लेते हैं थोड़ा सा। अब हम इसके 2 बड़े बड़े पेड़े बनाएंगे, क्या हमने 2 के पेड़े बना लिए, 2 बड़े बने और 1 छोटा बना। तो अब हम इसको बेलेंगे, अब इसको साइड पर रखते हैं। ये चकला ले गया हमने और ये बेलन है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले चकले पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये हमारा आटा जो है दो है चिपके ना। इसको सूखा बिल्कुल आटा नहीं लगाएंगे और इसे बेलन में भी थोड़ा सा लगा देंगे। अब हम इसको बेलेंगे, यहाँ से थोड़ा सा कर लेते इसको। अभी इसको ज़्यादा मोटा और नहीं बेलना, रोटी इससे जितना ही ऑलमोस्ट हम जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही बेल लेंगे इसको। हमने बेल लिया इसको, बस इतना मोटा होना चाहिए, ये देखिए इतना बिल्कुल 1/2 इंच से के बराबर। और ये देखिए वो दोनों तरफ से आराम से ये उठ जाना चाहिए चकले से, चिपके ना। अब आप ये छुरी से या पिज़्ज़ा कटर से किसी से भी इसको पतले पतले स्ट्रिप्स काट सकते हैं अपने मन चाहे कर भी, ऐसे लंबे ही थोड़े अच्छे लगते हैं। देखिए मैंने ये लंबे बनाए, आप इसके 2-2 भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। जैसे ये देखिए आप, ये हमने लंबे करते हैं, तो आप इसको छोटे साइज में भी बना सकते हैं इस टाइप से।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी शेप बनाना चाहते हैं। बड़ी इजीली है, आराम से ये चकले से उतर जाते हैं। इसी प्रकार मैं सारे बना के आपको दिखाती हूँ, फिर हम उसको फ्राई करेंगे। सारे काट के तैयार कर लिए हैं, ये थोड़े छोटे बनाए हैं मैंने, ये देखिए ऐसे, और ये लंबे हैं। आप जो आपकी मर्जी हो लंबे में बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं। तो ये अब हमने बना के तैयार कर लिए हैं, इतने आटे में इतने बने हैं हमारे एक कप में। तो अब हम इसको तेल गर्म करने के लिए रखते हैं, आपको फ्राई करके अभी दिखाते हैं। मैंने तेल गर्म करने को रख दिया, तो हमने इसको मीडियम आंच पे बनाना है, ना कि हम तेज आंच में। तो ये तलने में आपको बड़ा डिपेंड करता है कि अगर आप हाई में इसको तलेंगे या फ्राई करेंगे तो ये कच्चे भी रह सकते हैं और सोगी भी बनेंगे बाद में जब ठंडे हो जाएंगे। तो इसलिए क्रिस्प बनाने के लिए हमें इसको मीडियम, पहले हम तेल गर्म कर लेते हैं। ये देखिए हम आटा डाल के दे देते हैं, टेम्परेचर इसका अगर ये ऊपर आ जाता है तो हमारा तेल गर्म हो गया, तो फिर हम इसमें ये डालेंगे। अभी हम बस ये थोड़ी सी कसर है, बस आ ही गया तो हो गया हमारा तेल गर्म। तो अब हम क्या करेंगे, आंच को थोड़ा सा, ये अभी हाई पे है तो उसको कम कर देते हैं। अब पहले मैं ये वाले फ्राई करूँगी, बड़े वाले लंबे वाले। आप काफ़ी सारे इकट्ठे भी डाल सकते हैं। हमने मीडियम लो पे इसको कर दिया गैस को, ये आप देख सकते हो। इसी आंच में हम धीमी धीमी आंच में इसको फ्राई करेंगे, ये गोल्डन ब्राउन थोड़े से हो जाए तो फिर हम इसको करेंगे। अभी हम करेंगे एक दो मिनट इसको लगते हैं, अभी होने पर मैं आपको दिखाऊंगी इसका कितना कलर चाहिए। देखिए हमने इसको ढाई मिनट तक इसको फ्राई कर लिया और ये हमारे ब्राउन हो गए हैं, ये देखिए ऐसे होने चाहिए। और आपको ये बताना चाहूँगी, एक टिप देना चाहूँगी, जब आप इसको निकालें तो टिश्यू पेपर मत रखिएगा, नहीं तो ये सोगी हो जाते हैं यानी गीले हो जाते हैं। तो इसलिए पहले हम इसमें खुले बर्तन में, जैसे मार्केट में हमने देखा होगा हलवाई लोग बनाते हैं, वैसे निकाल के रखते हैं, इससे तेल निकल जाएगा हमारा सारा इसमें से। सारा तेल हमने निकाल दिया, इसका निकल गया, हम इसको अलग से रखते हैं प्लेट में। अब हम दूसरा गैस भी इसमें डालते हैं, बाकी के भी इसमें डाल लेते हैं, ये जो हमने छोटे शेप में काटे हैं। गैस बिल्कुल अभी काम करते हैं, फिर हम मीडियम में इसको करेंगे सारे डाल के। इसी प्रकार मैं सारे डाल देती हूँ, हम इसको छोटी वाली शेप में काटे थे, ये भी हमारे फ्राई होकर तैयार हो गए। तो हमने इसको कलर थोड़ा कम दिया, अब इसको गैस हम बंद कर देते हैं इसकी, अब इसको निकालते हैं। अब इसी तेल में थोड़े थोड़े फ्राई हो जाएंगे, ये बड़े खस्ता बने हैं ये। आप बनाएंगे तो आपको इस टाइम आप देख पाएंगे कि बहुत ही अच्छे बनते हैं अगर इस मेथड से बनाए जाए। ये देखिए इसी प्रकार मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये सारे हमारे बनकर तैयार हो गए, नमक पारे टी टाइम स्नैक हमारा। तो आप ये देख सकते हैं इसकी आवाज़ से ये बड़े क्रिस्पी बने, ये देखिए। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं, आप इसको स्टोर करके जब ठंडे हो जाए तो रख सकते हैं कम से कम एक हफ्ता तक, ये आराम से आप इसको खा सकते हैं। ये देखिए इसकी आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने खस्ता और क्रिस्पी बने। हमारे नमक पारे हाइजीनिक तरीके से बनकर तैयार हैं, वो भी आटे से हमने बनाए हैं। और आप बनाइए, अपने बच्चों और फैमिली को खिलाइए, आप बहुत पसंद करेंगे। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।